पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार 20 अप्रैल 2018 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाया जाना है, जिसके लिए पूरे देश में 15,000 एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री एमपी एंड एनजी मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के वरिष्ठ अधिकारी और तेल विपणन कंपनियों ओएनजी और गेल के वरिष्ठ अधिकारी इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में एलपीजी पंचायत में भाग लेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बीपीएल महिलाओं को स्वच्छ खाना बनाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराने और बायोमास ईंधन के खतरों को कम करना था। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के एक महिला लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन जारी किया गया। इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ उपभोक्ताओं के नामांकन की एक बड़े लक्ष्य को 2019 तक पूरा करने की जिम्मेदारी ऑयल वितरण कंपनी को पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सौंपा गया था, जिसमें 23 महीनों के भीतर 3.56 करोड़ से अधिक ग्राहकों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। ऑयल वितरण कंपनी की सफलता से उत्साहित पीएमयूआई उपभोक्ता नामांतरण लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है, जिसे 2020 तक पूरा करना है। मुंगेली जिले में भी टोटल 60,450 हितग्राहियों को सिलेंडर वितरण किया जा चुका है। जिले में कार्यरत सभी वितरक 20 अप्रैल को 6 अलग अलग गांवों में उज्ज्वला दिवस का आयोजन कर बाकी हितग्राहियों को इस योजना का लाभ देंगे। वह इस दिन को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाएंगे। 20 अप्रैल 2018 को देश के 15,000 ग्राम पंचायत में मनाया जाना है। इसमें हमें एक मंच पे 500 हितग्राही जो कि उज्ज्वला में कनेक्शन ले चुके हैं उनको आमंत्रित करना है, और साथ साथ 100 ऐसे हितग्राहियों को भी आमंत्रित करना है जिनको नया कनेक्शन दिया जाना है। मुगेली से विवेक जायसवाल व अविनाश कुलमित्र की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।